बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। हाँ बच्चों, जैसे कि आपने देखा था, हमने अपने इससे पहले वाली क्लासेस में हम अणु संख्यक गुणधर्म के बारे में हम लगातार ही क्लास ले रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पिछले कुछ क्लासेस निकल गई हैं। तो बच्चों आज हमने अणु संख्यक गुणधर्म को कोरिलेट करके जो टॉपिक लिया है वो है हमारा क्वथनांक में उन्नयन एक अणु संख्यक गुणधर्म है। तो बच्चों क्वथनांक में उन्नयन एक अणु संख्यक गुणधर्म है को लेकर आज हम इसके लिए इसका ग्राफीय निरूपण करने वाले हैं। बच्चों हम ये जानने वाले हैं कि ग्राफ की सहायता से हम क्वथनांक में उन्नयन को एक अणु संख्यक गुणधर्म के रूप में प्रदर्शित करेंगे और समझेंगे। तो बच्चों यहां पर मैं आपके सामने एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ग्राफ को बहुत अच्छे से समझना है। बच्चों हम क्या करेंगे, यहां पर दो अक्ष लेंगे, एक लेंगे वाई अक्ष, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सेस है। बच्चों हम लेंगे एक्स अक्ष, ये हमारा एक्स अक्ष है। हमने दोनों ही अक्षों की बेटा धनात्मक अक्ष इस्तेमाल करने हैं, ये एक तरह का चतुर्थांश है, ठीक है, ये चतुर्थांश है। तो हम प्रथम चतुर्थांश का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों, ठीक, ये प्रथम चतुर्थांश है हमारा। एक्स अक्ष पर हम क्वथनांक ताप को ले लेंगे, ठीक है, एक्स अक्ष पर क्या ले लेंगे बच्चों, हम क्वथनांक को, यहां पर हमको क्वथनांक लेना है अलग अलग मानों को, जबकि वाई अक्ष पर हम ले लेंगे वाष्प दाब के मान को, ठीक है बच्चों। फाइनली हम क्या करने वाले हैं, हम वाष्पदाब और क्वथनांक ताप के बीच में वाष्पदाब वक्र प्राप्त करेंगे बेटा, शुद्ध विलायक और विलयन के, जो कि बच्चों हमको कुछ इस तरह से प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से हमको दो कर्व प्राप्त होंगे, पहले वाले कर्व को मैं नाम दे देता हूं ए बी और दूसरे को मैं नाम दे देता हूं सी डी। बच्चों आपको समझाने के लिए, ताकि आप मेरी बात को सरलता से समझ सकें, मैं बता देता हूं कि जो पहला वाला कर्व है ए बी, बच्चों ये शुद्ध विलायक का है, किसका है, ये शुद्ध विलायक का वाष्पदाब वक्र है, जबकि जो नीचे वाला वक्र सी डी है वो विलयन का है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, ये आ जाता है और आना भी चाहिए, कि सर हम ऊपर वाले को विलयन लिख लें और नीचे वाले को विलायक लिख लें तो क्या ऐसा संभव है? तो बच्चों बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। याद करिए आप मेरे इससे पहले वाली जो क्लास थी, वीडियो आप देख लीजिएगा, उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक है वो कम होता है, लेकिन उसके संगत उसका वाष्पदाब सर्वदा अधिक प्राप्त तो होता है, जबकि विलयन का जो क्वथनांक है वो शुद्ध विलायक की तुलना में आपको अधिक प्राप्त होगा, लेकिन उसका वाष्पदाब शुद्ध विलायक से आपको कम प्राप्त होगा, यानी विलयन का वाष्पदाब हमेशा कम होता है ना। और यही एक महत्वपूर्ण चीज है बच्चों, कि जो वक्र है सीडी वो शुद्ध विलायक के वाष्पदाब वक्र के सदैव नीचे होगा, ठीक है। ये जो भी चीजें मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये आपको पॉइंट टू पॉइंट करके क्या करते जाना है, लिखते जाना है, यानी आपको सिर्फ ये नहीं करना कि ग्राफ बनाना है, इनको आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखते भी जाना है। यानी आपको बताना है कि आपने एक्स अक्ष पर क्वथनांक ताप के बढ़ते हुए मान को ले लिया, वाई अक्ष पर वाष्पदाब के मान को ले लिया, ठीक, एक ही लाइन में लिख दीजिए कि एक्स अक्ष पर क्वथनांक ताप को, वाई अक्ष पर वाष्पदाब के मान को लेकर हम शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्पदाब वक्र प्राप्त करेंगे। दूसरे बिंदु में आप बता दीजिए कि पहला जो वाष्पदाब वक्र है वो शुद्ध विलायक का, जबकि जो दूसरा वाष्पदाब वक्र है सीडी वो विलयन का वाष्पदाब वक्र है। तीसरे बिंदु में आप बता दीजिए कि विलयन का वाष्पदाब वक्र जो है वो सदैव शुद्ध विलायक के वाष्पदाब वक्र के नीचे प्राप्त होगा, क्योंकि क्वथनांक के प्रत्येक ताप पर है ना, या ताप के प्रत्येक क्वथनांक पर विलयन का जो वाष्पदाब है सर्वदा शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से कम होता है, यही वजह कि वो नीचे होगा, ठीक। इतना आपने बता दिया। अगले बिंदु में आपको क्या करना है बेटे, अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको ध्यान दीजिए। हम एक्स अक्ष के समानांतर वाई अक्ष से होता हुआ एक बिंदुकित रेखा खींचेंगे, और ये जो बिंदुकित रेखा है
ये रेखा एक्स अक्ष के समानांतर होगी और ये निरूपित करती है बेटा एक वायु मंडली दाब को। ये किसको निरूपित करती है? एक वायुमंडली दाब को निरूपित करती है। बच्चों बच्चों फाइनली आप देखेंगे कि जब आप एक वायुमंडली दाब की क्षैतिज रेखा खींचेंगे तो वो आपके वाष्पदाब वक्र एबी यानी जो शुद्ध विलायक का वाष्पदाब वक्र है ना एबी, उसको एक बिंदु पर क्या कर रही है? वो कट कर रही है। हम उसको नाम दे देंगे एक्स। इसी तरह से वो सीडी को भी एक दूसरे बिंदु पर कट कर रही है, उसको हम नाम दे देंगे वाई। ये वो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे बेटा जहां पर हम कह सकते हैं बिंदु एक्स पर शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक ताप है वो एक वायुमंडली दाब के बराबर हो गया है, इसीलिए वो उसका क्वथनांक ताप कहलाएगा। ठीक है, और हमको उसके संगत क्वथनांक ताप क्या मिलेगा? वो हमको मिलेगा टीबी जीरो। इसी तरह से बेटा सीडी लाइन को वो बिंदु वाई पर काट रहा है, इसका मतलब उसका जो ताप है वो एक वायुमंडली दाब के बराबर हो गया, वो अधिकतम है। तो इसके संगत भी वाई अक्ष पर जब आप लंब डालेंगे तो इसके संगत आपको जो ताप प्राप्त होगा वो हो जाएगा आपका टीबी। मेरी बात समझ में आई? ओके, फाइनली क्या करना है बेटे, हमको क्वथनांक में उन्नयन की गणना करनी है। तो मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि विलयन का जो क्वथनांक ताप होता है वो सर्वदा शुद्ध विलायक से अधिक होता है, तो हम अधिक वाले से कम वाले को क्या कर देंगे? घटा देंगे और दोनों का अंतर निकाल लेंगे। तो बच्चों हमको जो मान प्राप्त होगा वो इस तरह से प्राप्त हो जाएगा, डेल टीबी, इसको बोलेंगे क्वथनांक में उन्नयन, बराबर हमको मिलेगा बेटा टीबी माइनस टीबी जीरो, और इसको हम बना देंगे समीकरण नंबर एक। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? ओके, तो बच्चों इसके बाद ये सारे बिंदु आप पॉइंट टू पॉइंट मेंशन भी करते जाएंगे। इसके बाद आपको बहुत साधारण सी लैंग्वेज में इस्तेमाल करना है और वो लैंग्वेज है प्रयोगों के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर पाया गया कि क्या पाया गया, प्रयोगों के आधार पर पाया गया कि क्वथनांक में जो उन्नयन है वो मोललता के क्या होता है बच्चों? समानुपाती होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं लिख सकता हूं डेल टीबी समानुपाती एम, यहां पे एम मोललता को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसको मैं बना देता हूं संबंध नंबर दो। फाइनली बच्चों हम ये देखेंगे कि क्वथनांक में उन्नयन जो है वो मोललता के समानुपाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा टॉपिक पर और बहुत अच्छे से फोकस करना है बच्चों। आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, मोललता का सूत्र है ना, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो बच्चों मोललता का सूत्र होता है मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या गुणित 1000 बटे विलायक का आयतन। बच्चों ये हमारे पास सूत्र होता मोललता के लिए, और इसीलिए हम मोललता को लिखेंगे m इज इक्वल टू एन बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू बी। ठीक है बच्चों, बच्चों यहां पर क्या करना है, यहां पर ये जो 1000 अपॉन एन बी आप देख पा रहे हो ना, इस वैल्यू को आप नियतांक मान लो, है ना, क्योंकि ये नियतांक होता है, इसका मान हम विलयन को बनाते समय एक बार इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम उसको बदलेंगे ही नहीं, तो वो फिक्स रहेगा, इसको नियतांक मान लेंगे। और जैसे ही बच्चों हम नियतांक को क्या करेंगे, हम नियतांक को रिमूव करेंगे, है ना, तो हमारा जो टॉपिक है देखिएगा ध्यान से क्या होने वाला है, जब आप रिमूव करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा एम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके एन बी के, जो मोललता है वो मोलों की संख्या की, विलय के मोलों की संख्या की क्या हो जाएगी? समानुपाती हो जाएगी। हम इसको बना देंगे समीकरण नंबर तीन। बच्चों जैसे कि आपने देखा था समीकरण दो में हमने आपको बताया था कि जो डेल टीबी है क्वथनांक में उन्नयन वो मोललता के समानुपाती था, है ना, ये हमारा समीकरण दो था। तो हम समीकरण दो की समीकरण तीन से तुलना करेंगे। बच्चों जब तुलना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो हम देखने को मिलेगा कि वास्तव में जो डेल टीबी है वो समानुपाती हो जाएगा किसके? एनबी के।
इस आधार पर हम ये देख पाएंगे कि क्वथनांक में उन्नयन जो है वो विलेय की कणों की संख्या के समानुपाती है। अर्थात अगर विलेय के कणों की संख्या बढ़ेगी तो क्वथनांक में उन्नयन का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जो क्वथनांक में उन्नयन है वो एक अणु संख्यक गुणधर्म है। बच्चों यहां पर हमने क्या किया, अभी क्वथनांक में उन्नयन को एक अणु संख्यक गुणधर्म प्रूफ कर लिया। एक क्वेश्चन भी निकलता है जो मैं आपको अभी बताना चाहूंगा, उस क्वेश्चन को भी देखिएगा। हमारा जो प्रश्न है वो आपके सामने ला रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है क्वथनांक में उन्नयन अणु संख्यक गुण का प्रयोग करके विलेय के आणविक भार की गणना कीजिए। बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगर आपके पास कोई भी पुराना प्रश्न पत्र अगर माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड का अगर अवेलेबल है तो आप उन प्रश्नों में देखिए। ये प्रश्न जो है काफी मरतबा एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए इसकी गणना को भी आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा और समझिए। तो बच्चों क्वथनांक में उन्नयन एक अणु संख्यक गुणधर्म का प्रयोग करना है और हमको विलेय के आणविक भार की गणना का सूत्र निगमित करना है। तो बच्चों क्वथनांक में उन्नयन का प्रायोगिक आधार है ना, प्रायोगिक आधार आपने देखा था, प्रायोगिक आधार। और प्रायोगिक आधार कहता है कि जो क्वथनांक में उन्नयन है वो समानुपाती था किसके बच्चों, मोललता के, है ना। और इसीलिए आपने क्या किया था, हमने यहां पे निकाला था डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम। मैं सिर्फ ये कर रहा हूं बेटा, इस बार प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को रिमूव करके कांस्टेंट ले ले रहा हूं और उस कांस्टेंट को मैं बोल रहा हूं के बी डॉट एम, और इसको मैं बना दे रहा हूं समीकरण नंबर एक। यहां पर बच्चों ये जो के बी है उस के बी को हम कहते हैं, उस के बी को हम कहते हैं मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं बच्चों मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ठीक, ये एक महत्वपूर्ण बात थी बच्चों, यहां पर आपको याद रखना है। अब हमको इस मोललता के मान की गणना करनी है, तो मोललता हम कैलकुलेट कर लेंगे। अभी मैंने आपको मोललता का सूत्र बताया था, तो एक बार वापस आपके सामने मोललता का फॉर्मूला रख रहा हूं, एम इज इक्वल टू एन बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए, बच्चों में सॉरी डब्ल्यू बी, यहां पर आ जाएगा विलायक का आयतन था, तो थोड़ा सा ये जो टॉपिक होगा ध्यान दीजिएगा वापस बच्चों, एन बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। ठीक है, डब्ल्यू ए होगा, विलायक का आयतन है क्योंकि। फाइनली हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर एक और फार्मूला यूज करेंगे मोल के लिए। मोल बराबर होता बच्चों, मोल बराबर भार बटे अणु भार। ठीक है, अणु भार, तो मोल विले का लेंगे तो एन बी, भार डब्ल्यू बी, और अणु भार हो जाएगा उसका एम बी। ये जो मान आया बच्चों, हम इसको अपने समीकरण दो इसको बोलेंगे और समीकरण दो में पुट कर देंगे। ठीक है, तो समीकरण दो से फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। बच्चों इसको हम समीकरण नंबर तीन बोलेंगे। समीकरण तीन से हम अपने समीकरण एक में m का मान रख देंगे बच्चों, जो भी करेंगे लिखेंगे, तो समीकरण
तीन से एक में मान। तो फाइनल जो वैल्यू हमारे पास आने वाली है बच्चों, वो आने वाली है डेल टी बी इज इक्वल टू के बी डॉट, एम को हटाकर ये पूरी वैल्यू लिखूंगा तो वो आ जाएगा डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन, एम बी को नीचे ले लेते हैं तो ये आ जाएगा एम बी इंटू डब्ल्यू ए। हमको निकालना था बच्चों आणविक भार, तो आणविक भार फाइनली आ जाएगा एम बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी को आप एम बी से इंटरचेंज कर दीजिए, इसको इसके स्थान पर अदल बदल दीजिए, तो ये हो जाएगा के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन, ठीक है, इसके बटे में जो वैल्यू आ रही है बच्चों वो आ रही है डेल टी बी इंटू डब्ल्यू ए। ये हमने जो एक रिस्पेक्टिव फार्मूला बच्चों यहां पर कैलकुलेट किया, ये हमारा फार्मूला इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर आज की जो हमारी क्लास है, ठीक है, क्वथनांक को संदर्भ करके कंप्लीट हो जाती है। क्वथनांक में उन्नयन को हमने एक अणुसंख्या गुणधर्म भी प्रूफ किया उसके ग्राफीय निरूपण से, हमने उसको लेकर आज एक विलेय के आणविक भार की गणना के लिए एक अच्छा खासा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी डेराइव किया। बच्चों इन सभी प्रश्नों के आधार पर कुछ आंकिक प्रश्न भी आएंगे जो कि अणुसंख्या गुणधर्म को कंप्लीट कर लेने के बाद मैं आपके सामने रखूंगा। थैंक यू।